नमस्कार, मैं प्रिया धराधर। इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के बाद से नाटकीय घटनाक्रम लगातार जारी है। अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र पहुंचकर पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया है और उन्हें लेकर राजधानी वापस लौट रही है। आजम खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार यानी 11 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच को अधिवक्ता ने बताया है कि आजम खान की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं सुनाया गया है। भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। ये जनसंख्या नियंत्रण उपायों की अहम प्रगति को दर्शाता है। कुल प्रजनन दर को प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर NFHS 4 और 5 के बीच 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। अगर आप अपनी कलाई पर जाति सूचक कलेवा पहनते हैं और फिर स्कूल में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आदेश जारी किया है तमिलनाडु के थेनी जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी थेनी जिला सीईओ ने जिले के सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि छात्र जाति पहचान का संकेत देने के लिए अपने हाथों पर रंगीन धागा न बांधे। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना के कारण देश में जान गंवाने वाले लोगों के बारे में सरकार ने गलत आंकड़ा देकर दुनिया के सामने भारत की छवि को खराब कर दिया है। पार्टी ने सरकार से अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस संबंध में सही आंकड़ा देने के लिए सर्वदलीय आयोग का गठन करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों ने कहा है कि भारत ने कोरोना से जान गंवाने वालों का गलत आंकड़ा दिया और भारत दुनिया में दूसरा देश है जिसने कोरोना मृतकों का सही आंकड़ा नहीं दिया है। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह को लंबे समय से चल रहे मामले में अब जाकर के जमानत मिल गई है, यानी कि अब वो इस मामले में पूरी तरीके से रिहा हो चुके हैं। भारत में बिजली की मांग में लगभग 20% की अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने का आदेश दिया है। आपात स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले पर आधारित सभी उत्पादन कंपनियों को कोयले की अपनी आवश्यकता का कम से कम 10% आयात करने का निर्देश दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 3545 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,94,938 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,688 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे आंकड़ों में यही जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 27 और लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,002 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.05% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने संक्रमितों की दर 98.74% आंकी गई है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ विभाग में क्रिएटिव टीम की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की 4 साल लंबी जांच का नतीजा सफर निकलने के बाद ही अब मामला बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान और चीन से तल्ख रिश्तों के बीच भारतीय सेना सीमा पर चौकसी लगातार बढ़ा दी गई है। ये खबर है कि रक्षा मंत्रालय में बॉर्डर पर निगरानी के लिए छोटे आकार के ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मंत्रालय की तरफ से प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सेना उच्च में अपनी नजरें मजबूत कर सकेगी। मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी मुहर लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज करने के साथ ही निर्देश भी दिया है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो कभी भी कुछ अलग करने से नहीं चूकते, भले ही इससे किसी को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ऐसा ही कुछ अमेरिका के शिकागो में उस वक्त देखने को मिला जब एक पैसेंजर अचानक विमान का इमरजेंसी गेट खोलकर प्लेन के विंग्स पर चलने लगा। हालांकि जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त ना तो विमान रनवे पर था और ना ही मूव हो रहा था। उस वक्त विमान शिकागो और ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टैक्सी एरिया में खड़ा था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कंपनी की तरफ से जारी विज्ञापन के अनुसार विभिन्न विभागों में इंजीनियर और ऑफिसर के कुल 46 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन 5 मई 2022 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई 2022 निर्धारित की गई है। प्रशांत किशोर पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने तंज कसा है। कमाल आर खान ने ट्विटर पर प्रशांत किशोर को टैग करते हुए लिखा है कि 3000 किलोमीटर की पदयात्रा एक नया ड्रामा है। भाई साहब, आपका कुछ नहीं हो सकता। बिहार में लालू और नीतीश जैसे धुरंधर अभी जिंदा है। आप बस अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि प्रशांत किशोर बिहार का कोई चुनाव नहीं जीत सकते। बिहारी लालू या नीतीश को ही वोट देंगे।
उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में लू से तीन दिनों की राहत के बाद अब फिर से गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाएं। आईएमडी की तरफ से अगले सप्ताह के मौसम के लिए नया अपडेट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम का मिजाज देखकर ही घर से बाहर निकले। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 7 से 8 मई को लू चल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि वैश्विक शांति हो या फिर समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण की एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ओडिशा के तट से आज एक तूफान के टकराने की आशंका जताई गई थी, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए 17 एनडीआरएफ और 175 फायर सर्विस की टीमों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तूफान को लेकर पीके जैना विशेष राहत आयुक्त ओडिशा ने जानकारी दी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है, इसके लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान नॉर्डिक देशों के प्रमुख से मिल रहे हैं। कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से अलग आज पीएम मोदी ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की पीएम मैग्डालेना एंडरसन को कश्मीरी पश्मीना गिफ्ट किया था। कश्मीरी पश्मीना शॉल को उनके दुर्लभ सामग्री, उत्तम शिल्प कौशल और याद दिलाने वाले डिजाइनों के लिए प्राचीन काल से भी संजोया गया है। बिहार पुलिस के दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो गया है। दरोगा के पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी में कुल 14,856 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। केजीएफ के यश के फैंस के लिए गुड और गुड न्यूज आई है। फिल्म केजीएफ 2 बहुत जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएफ 2 का ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 320 करोड़ रुपए से सौदा हुआ है। बता दें कि ओटीटी पर फिल्म 27 मई को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषा में देखी जा सकेगी। मीडिया की माने तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत यात्रा पर आए इटली के विदेश मंत्री लुइगी दे मायो ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कारोबार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, हरित ऊर्जा रहित सहित और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोटो के साथ ट्वीट किया है। इटली के विदेश मंत्री लुइगी दे मेयो का उनकी पहली भारत यात्रा पर स्वागत करते हुए हर्ष देखने को मिला। चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस साल सितंबर में हांगजो में होने वाली एशियाई खेलों को शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी समाचार चैनल CGTN टीवी के अनुसार एशियाई ओलंपिक परिषद ने 19वें एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया है, जिसे ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक निगम के खुदरा हिस्से की को बोली के तीसरे दिन शुक्रवार को पहले घंटे में 100% अभिदान मिल गया। शेयर बाजारों पर शुक्रवार सुबह 11:36 तक के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित 6.9 करोड़ शेयर की श्रेणी में 7.2 करोड़ से अधिक बोलियां मिली है। इस तरह इस श्रेणी को पूरा अभिदान मिला है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन के लिए एक शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर की एक रणनीतिक आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए अन्य विद्रोही समूहों द्वारा शांति की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने के साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि, राजनीतिक समझौता के अलावा भारत म्यांमार सीमा की पवित्रता बनाए रखने के साथ ही प्रतिबंधित विद्रोही समूह के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई जरूरी है। उक्त बातें शुक्रवार को असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर ने कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार भी इस अवसर पर मौजूद थे। देशभर में दंगों और बुलडोजर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इनमें अब बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत का नाम भी शुमार हो गया है। राजस्थान में हुए दंगों के बहाने रनौत ने प्रदेश की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। जयपुर में फिल्म धाकड़ के नाम गाने की लॉन्चिंग पर पहुंची अभिनेत्री ने सरकार को दंगा कंट्रोल करने में नाकाम करार दिया है। एक सुझाव भी पेश किया धमकी भरा, जिसमें यूपी के बुलडोजर का जिक्र था। हाईकोर्ट ने नागरिकता पर इस सप्ताह की शुरुआत में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एक बार किसी व्यक्ति को नागरिक घोषित किए जाने के बाद दूसरी सुनवाई नहीं होगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की फॉरनर्स ट्रिब्यूनल बेंच ने संकेत दिया है कि एक बार ट्रिब्यूनल ने किसी को भारतीय घोषित कर दिया तो उसी व्यक्ति को दूसरी बार उसके सामने लाने पर गैर भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता है।
यह अवलोकन उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां भारतीय घोषित किए गए व्यक्ति को दो या फिर अधिक बार राष्ट्रीयता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए हों। यूरोप, अमेरिका और एशिया में केंद्रीय बैंकों ने बेंचमार्क ब्याज दरों में वृद्धि की है क्योंकि वो बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि उच्च वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, विशेष रूप से क्रूड ऑयल और खाद्यान्न की कीमत अस्थायी नहीं है और उसे नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। जबकि भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क इंटरबैंक लैंडिंग रेट रेपो रेट को 40 पॉइंट बढ़ाकर 4.4% कर दिया। यूएस फेडरल रिजर्व ने उसी दिन दशकों में सबसे बड़ी वृद्धि की है। पंजाब विधानसभा चुनाव में बंपर सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी तेजी से संगठन को विकसित कर रही है। इसी क्रम में आप ने जम्मू और कश्मीर के लिए अपने संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी ने जम्मू का चुनाव प्रभारी हरजोत सिंह बैंस को बनाया है। हरजोत सिंह बैंस फिलहाल पंजाब सरकार में मंत्री है। वहीं गौरव शर्मा को पार्टी ने जम्मू का प्रभारी और प्रदीप मित्तल को सह प्रभारी बनाया है। पड़ोसी देश भूटान में आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। मिर्च से लेकर अंडे तक के दाम हाल के दिनों में तेजी से बढ़े हैं। एक अंडा 50 रुपए का मिल रहा है। कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण देश अंडा उत्पादन में अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। हालांकि भूटान सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। साथ ही भूटान के पास वर्तमान में उतने श्रमिक नहीं है जितने की आवश्यकता है, इसलिए देश का विकास लगभग ठप हो गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है डीके, नन्नू कुमार, प्रिया यादव, कुणाल कुमार, सर्वनेश्वर कुमार, रिजवाना अहमद, जितेंद्र कुमार, देशीलाल सादा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई का असर आपकी जेब पर पड़ा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।